थोड़े उन बेटियों का, लेकिन पाप इस निरंकुश सरकार और एक तानाशाह राजा का जो संरक्षण में खड़ा है आरोपी के, अत्याचारी के, दुष्कर्मी के। और ऐसा लगता है कि जैसे इन बेटियों के घाव पर कुरेद कुरेद कर वो अत्याचारी कह रहा हो, देख लिया मैं पीएम का खास हूं, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती, तुम लोग बिलबिलाती रहो, रोती रहो, अपना मेडल बढ़ा दो, क्योंकि मेडल को तो उसने वैसे भी 15 रुपए का बताया है। क्या वो समझता या जानता नहीं है कि मेडल का मतलब होता है खून पसीना एक कर देना, सालों की कड़ी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी से जब ये लड़कियां लड़ती हैं, जब चारों खाने चित कर देती हैं, तब ऐसे मेडल जीतती हैं। लेकिन मैं जरूर एक बात कहना चाहती हूं, अगर ये महिला अस्मिता का मुद्दा नहीं है तो महिला अस्मिता का मुद्दा क्या है? स्मृति ईरानी इस देश की महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, बेटियां रौंदी जा रही हैं सड़कों पर, स्मृति जी फोटो बॉम्बिंग का वीडियो लगा रही हैं, पिक्चर लगा रही हैं, उनको अट्टहास सूझ रहा है। और जब उनके नीचे लोगों ने कमेंट करके लड़कियों की तस्वीरें दिखानी शुरू करी तो उन कमेंट को छुपाया जाने लगा। अगले दिन सवेरे उनकी हिम्मत है, धृष्टता देखिए आप, हमारे देश की बेटियां पीटी गई, लाठियां बरसाई गई, रौंदा गया बूटों के तले, और स्मृति ईरानी अगले दिन कहती है 9 साल नारी शक्ति के 9 साल मुझे समझ में नहीं आता, ये डिल्यूजनल है, ये पूरी तरह से सत्य से परे हैं, इनको धरातल का पता नहीं, क्या है इस सरकार में ये नारी शक्ति का सम्मान है? 9 साल नारी शक्ति के सेलिब्रेट हम ऐसे कर रहे हैं? लेकिन इतिहास भी गवाह है कि जब जब महिला की अस्मिता पर प्रहार हुआ है तब तब कीमत चुकानी पड़ी है। महाभारत सबको याद है ना, कैसे द्रौपदी को घसीटा गया था और उसकी कीमत सिर्फ धृतराष्ट्र ने नहीं चुकाई थी, उसकी कीमत उसके पूरे वंश और उस पूरी सदी ने चुकाई थी। आज भी ये बेटियां हैं, इनको घसीटा जा रहा है और आंख पर पट्टी बांधे हुए आज भी एक राजा मौन धारण किए हुए है। आज सवाल यह है कि इन बेटियों को क्या इतना मजबूर, आपने क्यों इतना मजबूर कर दिया कि अपने मेडल बहाने को तैयार हैं? 5 दिन का वक्त टिकैत जी ने उनसे लिया है, उनको मेडल सौंप दिए हैं, क्या सरकार 5 दिन में चेतेगी? क्या सरकार 5 दिन में न्याय की गुहार करती हुई बेटियों की बात सुनेगी? क्योंकि इतना सड़ चुका है सरकार का जमीर कि उसमें से बदबू आने लगी है। आज सच यह है कि जिन लोगों को बेटी के समर्थन में खड़ा होना चाहिए वो लड़कियों की वतन परस्ती पर सवाल उठा रहे हैं, वो इनके इतने बड़े कीर्तिमानों पर सवाल उठा रहे हैं, वो इन्हीं को अपशब्द कह रहे हैं। आज मीडिया चुप है, कब तक चुप रहिएगा आप? कब तक चीयर लीडर बनाकर 9 साल की खुशी मनाते रहिएगा? और आज जो भी चुप है याद रखिएगा, तटस्थ रहने का समय नहीं है, क्योंकि समय आपके भी अपराध लिखेगा। संस्थाएं हैं इस देश में, पॉक्सो का आरोप लगा है ब्रजभूषण शरण सिंह पर, लेकिन एनसीपीसीआर की तरफ से एक शब्द, एक कार्रवाई, एक चिट्ठी न सरकार को न इलेक्शन कमीशन को। आप तो बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, आरएसएस का ट्रेनिंग कैंप खोलने के लिए नहीं। पॉक्सो जैसा गंभीर आरोप लगा है, महिलाओं ने, इस देश की बेटियों ने शोषण का आरोप लगाया है, और एनसीडब्ल्यू जो रह रहकर चिट्ठी बांटता है, रेखा वर्मा जी को सुधी नहीं है, 1 महीने से ऊपर हो गया ये बेटियां बैठी थी। तो आज सवाल यह जरूर पूछना पड़ेगा कि भाजपा की निरंकुशता, मोदी जी का संरक्षण, और मैं ये डंके की चोट पर कह रही हूं, बेटियों के अत्याचारी, उनके दुष्कर्मी पर प्रधानमंत्री मोदी का संरक्षण है, क्योंकि अगर संरक्षण नहीं होता तो वो इन बेटियों को दिलासा देते, विश्वास देते, न्याय का की गुहार लगा रही है। ये हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं इन बेटियों को, इस मंच से ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा
जो आपके कीर्तिमानों को समाप्त करे, क्योंकि आपने इस देश का सीना गर्व से चौड़ा किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक निरंकुश सरकार, एक आंखों पे पट्टी बांधे हुए राजा, हर बार आरोपी के साथ खड़ा हुआ प्रधानमंत्री आपको न्याय ना दे, लेकिन यह देश आपके साथ खड़ा है और यह देश देख रहा है कि कैसे बार बार बेटियों के अपमान में और संरक्षणों के साथ यह सरकार खड़ी होती है। आज जो गंगा के तट पर गंगा ने देखा वो पुण्य और पाप की वेदी के बीच की खाई है, और मैं आशा करती हूं कि सरकार जागेगी, अपनी बेच खाई हुई नैतिकता को याद करेगी और जरूर इन बेटियों को न्याय देने का काम करेगी, क्योंकि बेटियों का रोता हुआ चेहरा और ब्रजभूषण सिंह का दमकता हुआ चेहरा यह इस देश का दुर्भाग्य है। आज हमारे अध्यक्ष ने भी और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी लगातार बेटियों के समर्थन में वक्तव्य दिए हैं। मेरी नेता प्रियंका जी वहां मिलने भी गई थी उनसे, हमारे तमाम और नेता उनके टच में हैं जो मिलने भी गए थे। और जो लोग कहते हैं कि इसको राजनीतिक क्यों बना दिया, जब आप एक एमपी को संरक्षण दे रहे हैं तब आपने राजनीतिक बना दिया था, हमें तो उनके लिए बोलना ही पड़ेगा, क्यों नहीं बोलेंगे? क्या अन्याय के लिए हम इसलिए चुप हो जाएंगे क्योंकि हम एक राजनीतिक पार्टी है? जहां भी जरूरत पड़ेगी, जहां भी इनको न्याय की लड़ाई में हमारी जरूरत पड़ेगी, हम इनके साथ खड़े हैं। हम इस मंच से अपील करते हैं, आपके मेडल इस देश का गौरव, इस देश का सम्मान है, आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम, आपकी पसीने की कमाई है, उसको जाया मत कीजिएगा, क्योंकि एक बात सच है कि अंततो गत्वा, जीत तो न्याय की होगी। आज कितनी भी धृष्टता, कितनी भी बकैती ब्रजभूषण सिंह कर ले या उनकी सरकार कर ले या प्रधानमंत्री संरक्षण दे ले, जीत तो सत्य की ही होगी। रेसलर्स का कहना है कि वो इंडिया गेट पर जाकर आने वाले समय में अनशन भी करने वाले हैं। मेरा अपना मानना है कि चाहे वो जंतर मंतर हो या इंडिया गेट हो, ये वो जगहें हैं जहां पर एक लोकतंत्र में प्रदर्शन की, अपनी आवाज उठाने की, आजादी अभिव्यक्ति की देनी चाहिए। जिस तरह से जंतर मंतर से उनका सामान तहस नहस कर दिया गया, सारा सामान तंबू उखाड़ कर फेंक दिया गया, जिस तरह से उनके गद्दे फाड़ दिए गए, ये कौन से लोग हैं? ये किस तरह की सरकार है? और बिल्कुल ये देश की वो बेटियां जिनके साथ फोटो खिंचाने के लिए लालायित रहते हैं प्रधानमंत्री, और आज जब ये बेटियां यहां पर अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर रही हैं तो ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। और अगर वो जंतर मंतर पर या इंडिया गेट पर बैठकर प्रदर्शन करना चाहती हैं या बैठकर बात करना चाहती हैं तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये विनेश फोगट और साक्षी मलिक की ये तस्वीरें एक सभ्य समाज के मुंह पर करारा तमाचा है। ये वो सभ्य समाज है जो चुप नहीं रह सकता है। ये वो समाज है जहां पर इन देश की बेटियां जब जीत कर आएंगी तो इनके साथ लालायित होकर फोटो खींची जाएगी, और जब वो न्याय की गुहार करेंगी तो उनको अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पुलिस अपने बूटों के तरह रौंदेगी और मजबूर कर देगी कि वो गंगा में अपने प्रवाहित करें मेडल्स। जिस दिन डिटेन किया गया था विनेश और संगीता फोगाट को, 6 PM के बाद, 7 बजे के बाद उन्हें रिलीज किया गया, जबकि दिल्ली में 6 PM के बाद फीमेल्स को डिटेन करके नहीं रख सकते, तो आप लोगों का इस पर क्या कहना है? आपसे कोई रिएक्शन नहीं आया? सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, जो हिंदुस्तान का कानून है उसमें आप सूर्यास्त के बाद महिला को बिना महिला पुलिसकर्मी हुए या बिना महिला थाना हुए आप नहीं रख सकते हैं। विनेश फोगट या साक्षी मलिक या संगीता फोगट जैसे लोग ये दुर्दांत आतंकवादी हैं। इनके हाथ में क्या था? इनके हाथ में इस देश का तिरंगा था, और उस तिरंगे को धूल दूषित करने का काम अमित शाह की पुलिस ने किया। जवाब उनको देना चाहिए। असलियत यह है कि इन देश की बेटियों के खिलाफ FIR करने में आपको 70 मिनट नहीं लगे, लेकिन महीनों लग गए थे, और बिना सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के आप FIR इनके खिलाफ नहीं कर पाए थे, अपने MP के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। FIR तब हुई जब उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया,
और 70 मिनट के अंदर आपने इस देश की सबसे होनहार, सबसे गौरवान्वित उन बेटियों को जो आपके लिए गौरव लाती हैं, मान लाती हैं, सम्मान लाती हैं, आपने उनके खिलाफ एफआईआर कर दी। साक्षी मलिक का वक्तव्य पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि उनके साथ क्या क्या हुआ और कल कैसे पूरे दिन ये बेटियां छुपती छुपाती रहीं पुलिस के अतिक्रमण से। आज अगर एक खिलाड़ी ये कहता है कि हमें गोली भी पड़ सकती है, हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, तो सोचिए इस देश के सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स को यह डर है कि ये निरंकुश पुलिस, ये निरंकुश प्रशासन जो संरक्षण में खड़ा है बलात्कारी के, वो उनकी हत्या भी कर सकता है। तो आम जनता का क्या हाल है, कहां पर न्याय की उम्मीद करी जाए। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, प्रधानमंत्री अगर एक व्यक्ति को नहीं बचा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को का कर्तव्य क्या है? प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान की बात करते हैं। ये कितने खोखले दावे हैं, ये कितने खोखले शब्द हैं। भाजपा के किसी भी नेता को, भाजपा की किसी भी महिला नेता को आज बेटियों के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। हम इस मंच से कहते हैं इन बेटियों को जब जरूरत पड़ेगी, जो जरूरत पड़ेगी, इनके खिलाफ जो अन्याय होगा, न्याय की लड़ाई में हम इनके साथ खड़े हैं। लेकिन क्या इसी मजबूती से, इसी बुलंदी से, इसी पुरजोर तरीके से भाजपा का कोई नेता यह कह सकता है? कैन द वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी पुट हर हैंड ऑन हर हार्ट एंड से दैट शी स्टैंड्स फॉर द वुमेन ऑफ दिस कंट्री, शी स्टैंड्स फॉर दीज एथलीट्स हु आर बीइंग हाउंडेड बाय द पुलिस। Why does this government, why does Mr. Modi constantly allow political patronage to those who perpetrate crime against women? We saw this with Sengar, we saw this with Chinmayanand, we saw this in Uttarakhand, we see it perpetually, we see it now. Why? That's the question we are raising. मैडम, नए संसद भवन में जिस तरीके से 28 तारीख को उद्घाटन चल रहा था, उसी संसद भवन के बाहर जो है महिलाओं के साथ जो पुलिस ने जिस तरीके से अपने जूतों से महिलाओं का जो सर कुचलने का काम कर रही थी पुलिस, जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, उसी देश में महिलाओं के साथ ये अत्याचार। 500 मीटर दूर थी ये लड़कियां भारत की नई संसद से, उस इमारत को जिसको भारत की नई संसद कहा जा रहा है, जहां पर एक राजा अपना राज्य अभिषेक करा रहा था। पर राज्य अभिषेक कराते वक्त वो ये भूल गया कि हमारी संस्कृति यत्र नारियस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता की है। हमारी संस्कृति सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन महिला का अपमान ना हमारा धर्म बर्दाश्त करता है, ना हमारी संस्कृति बर्दाश्त करती है, फिर वो कोई भी धर्म हो। हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पर मां के पैरों में जन्नत कहा जाता है, और आप उन पैरों के तले बेटियों को रौंद रहे हैं, और आपको लगता है कि आपका राज्याभिषेक होकर आप सम्राट नरेंद्र मोदी बन गए। शर्म आनी चाहिए, लेकिन यह दिखाता है कि सत्ता के नशे में किस कदर चूर है यह सरकार। यह दिखाता है कि सत्ता के मद में, अहंकार में, धरातल से, जमीनी हकीकत से किस कदर इनकी दूरी हो गई है। इनको पता नहीं चल रहा है कि पैरों के तले से इनकी जमीन खिसक रही है। आप सोचिए उन बेटियों के बारे में जो विनेश फोगट को और साक्षी मलिक को देखकर बनना चाहती हैं एथलीट्स। आज कौन मां बाप उनको एथलीट बनाने को भेज रहा है? बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स आज क्यों खाली पड़े हैं? क्योंकि मां बाप को डर है कि जब तक मोदी सरकार है बेटियों को भाजपा से बचाना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।